सूजन कैसे होती है, ये बच्चों का ही बर्थ होता है, इसमें बर्थ रखा जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल कॉली स्टाइल। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम देखेंगे कि अगोई माता की पूजन कैसे होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या टेस्टी टेस्टी खाने को बनता है और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। बट होगा तो छोटा सा व्लॉग। आई नो कि बहुत छोटे छोटे व्लॉग्स मैं निकालती हूँ, बट इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो है अगोई माता पूजन होती है, ये किस तरीके से होती है, कैसे होती है, एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एंड प्लीज़ इग्नोर दैट बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि मेरे घर के पास में ही कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो आपको उसकी थोड़ी बहुत वॉइस आ सकती है। बट चलो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए और देखने के लिए कि अगोई माता पूजन कैसे होती है। ये बच्चों का ही बर्थ होता है, इसमें बर्थ रखा जाता है, एंड पूरी पूजा जो है वो बच्चों के लिए ही की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम अगोई माता की पूजन की शुरुआत कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी जो है दिए में घी डाल रही हैं, देसी घी। उसके बाद यहाँ पे पूजा की शुरुआत होती है। सो पूजा की शुरुआत हमारे मंदिर से की जाएगी। एंड ये जो आपने अभी तस्वीर देखी थी, ये हमारी अगोई माता की तस्वीर होती है, जिसमें जो भी व्रत रखता है वो पूजा करता है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो है अगोई माता का भोग बन रहा है। सो भोग बनने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देसी घी का हम हलवा बना रहे हैं, सूजी का। सो इसमें सारी मेवाओं के साथ इस हलवे को बनाया जाता है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे देसी घी डाले ही जा रही हूँ। हाँ, मम्मी मुझे डांट रही है एंड मैं हंस रही हूँ कि नहीं मम्मी, मुझे और डालना है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने जो है हलवे में चीनी डाल दी है। एंड यहाँ पे जो है मम्मी अब उसे अच्छे से जो है बना रही है। एंड यहाँ पे जो है बगल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरी भाभी जो है वो अपने खाने की तैयारी कर रही है। सो खाने में यहाँ पे हमारे पास आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है, एंड देन उसके साथ हमारी पूरी बनेगी। एंड हमारा हलवा तैयार है भोग लगाने के लिए, क्योंकि मीठे से भोग लगाना होता है, तो मीठे के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास हलवा है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक अलग से दोबारा से मैं कुछ ना कुछ डाल रही हूँ, तो ये सारी की सारी मेवाएँ जो है यहाँ पे पीसी हुई हैं। बिकॉज़ अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि मेरी भाभी के न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, सो वो अभी जो है स्ट्रॉन्ग चीज़ें कुछ नहीं खा पा रही हैं। सो उनके लिए ही अभी स्पेशली उनके लिए ही यहाँ पे जो है पिसी हुई मेवा यहाँ पे डाली जा रही है हलवे के अंदर, बिकॉज उनको ही व्रत खोलना है एंड स्पेशली उन्होंने ही व्रत रखा है। सो इस वजह से उनके लिए ही ये चीज़ें हमें करनी पड़ रही है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हलवे की स्टार्ट हो गई है बनना। यहाँ पे मम्मी ने पानी डाल दिया है उसको बॉयल करने के लिए। इस तरीके से डालते हैं इसमें, पहले वो भूनो सूजी और फिर इसको घी में छोड़ो, फिर इसमें चीनी डालो, फिर ड्राई फ्रूट डालो इसके अंदर, ताकि इसमें वो ना पड़े लम्स। हाँ जी, मोटे मोटे है ना, गांठे ना पड़े, गांठे ना पड़े, इसलिए ये इस तरीके से बनाया जाता है हलवा की फुल रेसिपी। सो फाइनली दिस इज़ द हलवा, सूजी का हलवा यहाँ पे रेडी हो गया है, मतलब जो अगोई माता है उनका भोग तैयार हो गया है। देन यहाँ पे जो है मेरे से एक क्लिप डिलीट हो गई थी, जिसमें जो है कथा सुनी जाती है अगोई माता की। सो वो मेरे पास डिलीट हो गई थी, पता नहीं कैसे वो वाली क्लिप। सो यहाँ पे अब लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे आरती की जा रही है, बिकॉज अभी शाम हो गई है एंड अब व्रत खोलने का टाइम हो गया है। सो सबसे पहले यहाँ पे जो है तिलक किया गया है अगोई माता को, एंड देन उसके बाद यहाँ पे उनकी आरती की गई है। एंड आरती के बाद जो ये ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये गले में ये अगोई माता का ही बच्चों का पहनना होता है, और इसमें जो ये आपको सिल्वर कलर के मोती दिख रहे हैं, ये आपको हर साल में जैसे जैसे बेबी बड़ा होता रहता है उसके नाम के जो है मोती भी बढ़ते रहते हैं। एंड अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए। सो पूजा करने के लिए यहाँ पे स्पेशली जो है, जैसे कि आपको पता हो करवा चौथ पे चांद देख के व्रत खुलता है, तो ऐसे ही स्पेशली यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको स्टार देख के व्रत ओपन करना होता है। सो ऐसे ही यहाँ पे जो है पहला स्टार जो निकला है उसको ही देख के हमारा जो यहाँ पे व्रत खोला जाएगा भाभी का। सो यहाँ पे व्रत ओपन किया जा रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है स्टार को, एंड देन स्टार की आरती उतारी जा रही है। एंड आरती करने के बाद जो है
यहाँ पे पूजा की जाएगी स्टार की। एंड देन पूजा करने के बाद यहाँ पे जो है स्टार को पानी डाला जाएगा एंड उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पे जो है दिया रख दिया जाएगा स्टार के लिए। देन ऐसे ही पूजा को समाप्त किया जाएगा एंड इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही पानी डाला जाएगा, जैसे चांद को डालते वैसे ही स्टार को डालना है। देन यहाँ पे जो है पूजा समाप्त हो जाएगी एंड पूजा समाप्त होने के बाद हमारा जो है हमें व्रत खोलना होता है, मीन्स लाइक मुझे नहीं भाभी को व्रत खोलना होता है जैसे मैंने आपको कहा था। सो फाइनली व्रत खोलने की बारी आ गई है। सो व्रत खोलने के लिए यहाँ पे ये जो पूरा जो भी सामान बना था वो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। देन यहाँ पे हम देखेंगे तिकली की मस्ती। क्लैपिंग जय कर रहे हो कंदा बच्चा, जय कर रहा है वो, जय 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 बाबू बाबू बाबू। बुआ की वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना इस ब्लॉग को, और मेरी मस्ती आपको अच्छी लगे तो मेरी मस्ती के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। हाँ एक सब्सक्राइब कर देना। डुडू तेज बोल डुडू। हाय करो हाय। सो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। एंड येस गाइज बहुत ही छोटा सा व्लॉग है एंड एक क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है जिसमें आपको इसमें कथा सुनने को मिलती है, बट वो वाली क्लिप मेरे से पता नहीं आई डोंट नो कैसे डिलीट हो गई है, बट सो सॉरी फॉर दैट। बट बाकी के जितने भी रिचुअल्स फॉलो किए गए थे वो सारा मैंने आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाया है। सो होप यू लाइक दिस। सो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। सो फाइनली यहाँ पे मस्ती हो रही है चीकू की, बिकॉज देखो चीकू के लिए ही स्पेशल डे है, चीकू के लिए ही बर्थ रखा है उसकी मॉम ने। सो चीकू की तो मस्ती बनती ही है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है देन यहाँ पे मेरे साथ खेलने लग गया। मतलब यार बच्चों का भी कुछ पता ही नहीं होता कब मस्ती कब रोना कब हंसना, कुछ नहीं पता होता। और ये तो इतना ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं गाइज, सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा। एंड सीरियसली गाइज ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा।